नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 8 अक्टूबर को होना है, जिसको लेकर सभी जनप्रतिनिधि जनता के पास जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं और साथ ही अगर वो जीतते हैं तो क्या कुछ कार्य उनके द्वारा किया जाएगा, इस बात की तसल्ली भी जनता को दी जा रही है। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने आज भोरे प्रखंड के रकवा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी राजेश बैठा से क्या कुछ बातचीत की, आप देखिए। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। रकवा पंचायत की भावी मुखिया प्रत्याशी राजेश बैठा, बैगन साफ चुनाव चिन्ह। पंचायत की जनता को क्या संदेश दीजिएगा? पंचायत के जनता का संदेश यही है कि पंचायत के जनता से हमको पूरा उम्मीद है, हमको बहुमत से जिताए और विकास के लिए आगे के लिए हमको सहायता करें। तो आपने देखा कि हमारे बीच थे रकवा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी राजेश बैठा। इनका दावा है कि जनता अगर इन्हें भारी मतों से अगर विजयी बनाती है तो यह पंचायत का चौमुखा विकास करेंगे। आज से दो दिन बाद भोरे ब्लॉक में पंचायत चुनाव को लेकर वोट होंगे सर, और रकवा पंचायत की वोटर होने के नाते क्या लक्ष्य होगा वोट के लिए? जी, हमारा तो लक्ष्य यही है जो हम अरे मुखिया की तरफ से प्रेस बैठा को जिताने के चक्कर में है, तो हमें विकास चाहिए, हम विकास को और बढ़ना चाहते हैं। हमारा ये निवेदन है कि हमें आगे मुखिया प्रेस बैठा जी को चुना जाए। होगा? हाँ, बदलाव तो होगा। रकवा पंचायत में बदलाव की लहर है। बदलाव रकवा पंचायत में बदलाव की लहर है। हाँ, रकवा पंचायत में बदलाव की लहर है जी। हाँ। कैमरामैन दिलीप के साथ प्रदीप शर्मा, गोपालगंज।